हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, इससे सबसे पहले आने वाला वीडियो आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मौर्य टेक्निकल मास्टर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए और चलते हैं वीडियो को देखिए। सबसे पहले चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर और वहाँ पर टाइप करते हैं ID पासपोर्ट फोटो मेकर और क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये आता है एप्लीकेशन, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये एप्लीकेशन, इसको इसका आइकन पहचान लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। 1 मिलियन का डाउनलोडिंग है और 4.2 का रेटिंग है। तो इसको ओपन करते हैं और फ्रेंड्स इसको यूज करके दिखाते हैं हम कि कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमको 4 ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें से हमको 3 को यूज करना है। एक तो ऐड का है, एक कैमरे का, एक गैलरी का, एक रेडी टू प्रिंट का। तो हम सबसे पहले, आप चाहो तो सेल्फी ले सकते हो कैमरे से, तो हमको तो सेल्फी नहीं लेना, फिर हाल में गैलरी से फ़ोटो ले रहे हैं। सबसे पहले गैलरी को यूज करते हैं, गैलरी से हम एक फ़ोटो ले रहे हैं और वहाँ से कोई फ़ोटो बना के देखते हैं। एक फ़ोटो ले लिया ये, और इसमें हमको 4 ऑप्शन मिलता है लेफ़्ट राइट करने के लिए। तो इस तरीके से हम अपने फ़ोटो को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं। तो हमको तो कुछ नहीं करना है, कुछ ठीक है। जो भी आपको चेंज करना हो आपकी किसी फ़ोटो में ऐसा हो तो उसको कर सकते हैं। और ये जो है आपको फ़ोटो को घुमाने के लिए है, आप चाहो तो घुमा सकते हो इसको। हमारा फ़ोटो तो सीधा है, इसको सीधे रहने देते हैं। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट के बाद हमको मिलता है ये, यहाँ पर बहुत साइज़ दिया हुआ है, फ्री साइज़ भी है, कस्टम साइज़ भी है। तो हमको जो है पासपोर्ट साइज़ बनाना है, तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं इंडिया पासवर्ड पर, पासपोर्ट पर, और यहाँ पर रिसाइज मिल जाता है हमको अपने हिसाब से करके एक अच्छा सा, और इसको क्रेप कर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, ब्राइटनेस का, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना हो घटाना हो इस हिसाब से, तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, और सब बहुत सारे फीचर्स में दिया हुआ सेट वगैरह, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा फ़ोटो तो एकदम क्लियर दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से सही बना रखा था, तो इसमें कुछ किया हुआ करना नहीं पड़ेगा, ये एकदम रेडी है। और फिर इसको हम सेव कर लेते हैं, तो इसमें अपना कोई नाम डाल दीजिएगा। चलो मैं इसमें एक बार डाल देता हूँ कुछ भी, आईडी पासपोर्ट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ और इस पर फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, फ्री का एप्लीकेशन है, तो इस पर ऐड आ रहा है, थोड़ा सा ऐड हटा दीजिएगा। अभी हमको जो है चलना है तीसरे नंबर वाले फीचर्स पर, जो रेडी टू प्रिंट है। इस पर हम क्लिक करते हैं और अपने फ़ोटो को चूज करते हैं, और फर्स्ट नंबर पर जो प्रिंट वाला है इस पर हम क्लिक करते हैं, और इस पर जो है हम किसी पर बना सकते हैं इस तरीके से, देख लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए एक बार में कितने सारे फ़ोटो बन गए और एकदम बढ़िया क्वालिटी का बनता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि ये जो है छोटा छोटा हो गया तो ख़राब हो जाएगा, फ़ोटो आपका बहुत ही क्लियर रहेगा, जब भी जहाँ चाहें वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। और इसको सेव कर लेते हैं इस तरीके से, ये आपका फ़ोटो सेव हो गया। और वापस हम चलते हैं, एक बार दूसरे साइज में बनाते हैं अपनी फ़ोटो को। तो यहाँ पर इस बार जो है और कम में ले रहे हैं, 6x4 के साइज़ में इसको बना लेते हैं। अभी ये देख लीजिए एकदम क्लियर फ़ोटो आ गया है, जूम करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया फ़ोटो बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और बहुत ही ईजी है यूज करने में। आप अपने मनपसंद का कोई फ़ोटो एडिट कर सकते हैं और इसमें पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बना सकते हैं, और इसको सेव पर क्लिक कर लेते हैं सेव। तो दोस्तों, कैसे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।